नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी फिलहाल मौजूद हूँ प्रभात तारा मैदान में और यहाँ पर मौजूद है बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़। यह भीड़ है आज यानी कि 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव की। जी हाँ, जिस महाघेराव की बात बीजेपी के द्वारा की जा रही थी वह महाघेराव का आज है ऐतिहासिक घेराव की बात बीजेपी कह रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस घेराव को लेकर जिला प्रशासन भी कमर बांधे है। धारा 144 लगा दी गई है पूरे क्षेत्र में। विधि व्यवस्था के संधारणार्थ यहाँ पर आवश्यक तैयारियाँ की गई हैं। धुरवा गोल चक्कर मैदान पे बड़े पैमाने पे फोर्सेस और मैजिस्ट्रेट्स का डेप्यूटेशन किया गया है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग से लेके धुरवा गोल चक्कर मैदान के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया है, जहाँ पर कि 5 से अधिक लोग किसी भी तरह के हरवे हथियार के साथ मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, FFP बिल्डिंग, MDI बिल्डिंग, HEC का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, बिजली विभाग के ऑफिसेस और इन जगहों पे काम करने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों को एहतियात के रूप में चांदनी चौक वाले रास्ते के माध्यम से आने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। और मेजर लोकेशंस पर पोस्टिंग्स कराते हुए मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। आज यहाँ पे सभी की ब्रीफिंग भी कराई गई है। जो भी क्राउड कंट्रोल के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उन्हीं को अपनाते हुए आज के दिन का जो भी धरना प्रदर्शन राजनीतिक कार्यक्रम है उसको हैंडल कराया जाएगा। देखिए, 22 स्थानों में फोर्सेज और मैजिस्ट्रेट्स को डिप्यूट कर रखा गया है। 750 की संख्या में बल एक्टिवली डिप्यूटेड रहेंगे और इतनी ही संख्या में रिजर्व में लोग रहेंगे। इन सभी लोकेशंस पे सीनियर मैजिस्ट्रेट्स हैं और उन सभी को सुपरवाइज करने के लिए ADM लॉ एंड ऑर्डर, SDM तथा BDO तथा CO's को डिप्यूट करके रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि वह धारा 144 नहीं मानने वाले हैं और साथ ही उनका आरोप है कि अब भी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है आने से। आप ही देखिए किस तरह से ये पूरी तैयारी है, जिला प्रशासन कमर बांधे है तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता जो है वह भी उत्साहित है। समय पर यहां से निकलेगी सचिवालय का नहीं, आरोप क्या लगाएंगे, वो तो इतना डर गए हैं, मुख्यमंत्री जाति छोड़ करके भाग गए हैं संथाल परगना। और दूसरी बात कि लोग आवे नहीं, उसकी जगह जगह पर रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि सरकार बिल्कुल डरी हुई है, मुख्यमंत्री उनको पता है कि कितने लोग आने के लिए घर से निकले हुए हैं। सारे कार्यकर्ता आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे, संघर्ष करते हुए आएंगे, लड़ते भिड़ते आ जाएंगे। 144 लगाई गई है तो अब 144 तो 144 तक ही लागू होते, यहाँ तो उसे हजारों लाखों लोग आएंगे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।